नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान। ओवल में 18 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी टक्कर होने जा रही है, लेकिन इस महामुकाबले से पहले ही पाकिस्तानी टीम का एक बड़ा प्लान लीक हो गया है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने मुकाबले से पहले अपनी टीम की रणनीति को सार्वजनिक कर दिया है। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने बताया कि टीम मीटिंग में उन्होंने भारतीय टीम के शुरुआती 2-3 विकेट जल्दी चटकाने को लेकर चर्चा की है। इसके साथ ये बातें भी हुई हैं, अगर पाकिस्तानी टीम अपने इस प्लान पर अमल करने में नाकामयाब रहती है तो फिर भारतीय बल्लेबाज बोर्ड पर 300 या ज्यादा का स्कोर खड़ा कर देंगे, जो कि उनके लिए एक परेशानी बन सकती है। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज आमिर की बातों से ये साफ साफ होता है कि उनकी रणनीति का मुख्य हिस्सा शिखर धवन, रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली को लेकर है। ये तीनों बल्लेबाज मौजूदा चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का सबसे अहम अंग है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपने बल्ले से दमदार खेल दिखाया है। पाकिस्तान की ये रणनीति है कि भारतीय टीम के तीनों इनफॉर्म बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में जल्दी से जल्दी चलता कर मुकाबले में खुद मजबूत स्थिति में खड़ा करने। लेकिन आपको बता दें कि भारत की जो बल्लेबाजी है वो वाकई जबरदस्त है, ऐसे में पाकिस्तान का ये प्लान बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगा और भारतीय बल्लेबाज मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।